अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है मित्रों ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल में, और मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड रूपेन आर शाह। परिवार के कई सदस्यों की और कई दर्शकों की ये जानने की उत्कंठा थी कि गांधी परिवार को, जैसे हमने राहुल गांधी के ऊपर कुछ प्रिडिक्शंस कर दिए हैं, तो राहुल गांधी को और गांधी परिवार को जेल कब होगी, 2019 में क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। और कई सारे दर्शक नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में हैं, उनका ये सवाल था कि ममता बनर्जी का क्या हाल होगा, और उड़ीसा के दर्शकों का प्रश्न था कि उड़ीसा का प्रिडिक्शन बताइए। एक बात समझ लीजिए कि इस बार नॉर्थ ईस्ट बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाला है। इसमें कोई भविष्यवाणी करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन गोचरीय आधार पर भी बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन सिर्फ किस्मत के सहारे हम ये अचीव नहीं कर पाएंगे। किस्मत कितनी भी मजबूत हो, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। एक बार सिर्फ आंख बंद करके उन सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के चेहरे अपने नज़र के समक्ष ला दीजिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, और कोई भी, और फिर सोचिए कि इनमें से कौन ऐसा कैंडिडेट है जिसके हाथ में हम भारत की कमान सौंपना चाहेंगे। व्यक्तिगत रूप से लोकली क्या काम हुआ और किसे वोट देना है, उसे भूलना होगा, क्योंकि सामान्य रूप से भारत में चुनाव वायदों का व्यापार होता है। हर पार्टी अपना वो घोषणा पत्र लेके आती है, बहुत बड़े बड़े वायदे करती है सालों से, लेकिन क्या वो वायदे कभी भी पूरे हुए? और सामान्य रूप से हर 5 साल के बाद हम ये कंपेयर करते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है उसने कितना काम किया, और जो नए वायदे आए हैं उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम वोट करते हैं। लेकिन 2019 का चुनाव भारत में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है, तो आपका हर एक वोट ये तय करेगा कि हम भारत माता के माथे पे कलंक लगाएंगे या तिलक लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी अगर बुरी तरह से भी साफ हो गई, तो भी अभी 3 राज्यों में तो उसकी गवर्नमेंट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और सबसे बड़ा जोखम बोल रहे हैं, सबसे बड़ी चेतावनी हम जहाँ पे देख रहे हैं वो हमारे गुजरात से है। वो गुजरात जब हम छोटे थे तो हर साल यहाँ पे दंगे होते थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कई लोग शायद भूल गए होंगे। इतने सारे दंगे, एक विशिष्ट समुदाय को इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थी, और हिंदू इतने सारे प्रताड़ित हो रहे थे। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कुछ तो सेफ्टी मिली है, वो सब कुछ गायब हो गया है। यहाँ की नई जनरेशन का तो कर्फ्यू क्या है वो भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार 26 में से हम जहाँ से देख रहे हैं 5 सीट तो कन्फर्म कांग्रेस के लिए ही वोट करने वाली है। क्या है ये भारत का ही एक हिस्सा है? क्या राष्ट्रवाद हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए? एक सेकंड के लिए ये सब कुछ साइड में रख दो और फिर सोचो कि हम किसके लिए वोट करने जा रहे हैं, राष्ट्र के हित में या समाज के हित में। ये चुनाव सिर्फ राष्ट्रवाद पर होना चाहिए कि राष्ट्र की धरोहर हम किसके हाथ में देने जा रहे हैं, कौन इस देश को सुरक्षित रख पाएगा। राहुल गांधी का भी एक वीडियो हमने आगे पोस्ट किया है, वो उसे खुद ही मालूम नहीं है कि क्या बोलना है। अमेठी में जब हमने प्रिडिक्शन किया था तो बहुत लोग हंसते थे, अमेठी में उस बंदे को अपनी हार दिख गई है तो वायनाड भाग गया है। वायनाड सबसे सुरक्षित सीट है क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट है, और वायनाड से उसकी जीत पक्की, मतलब संसद में वो जा पाएगा। तय आप लोगों को करना है, उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल हो, 23 से 28 के बीच में पश्चिम बंगाल में सीट कंफर्म आने वाली है। लेकिन हर कोई वोट करेंगे और बीजेपी की फेवर में करेंगे तो मजबूती मिलती जाएगी। इन सभी पार्टियों को ये तो मालूम था कि अपने अकेले दम पर हम नरेंद्र मोदी को नहीं हटा पाएंगे, तो सब इकट्ठे आ गए हों
आ गए हैं और एक ही सोच के साथ कि किसी तरह से इसे निकाल दो, फिर जो होगा अपने अपने देख लेंगे, मैं तेरे में चुप रहूंगा तू मेरे में चुप रहेगा, प्रजा हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो यह प्रश्न का जवाब तो हमें ही देना होगा। भविष्यवाणी अब अपनी जगह है, लेकिन ओडिशा हो या पूरा नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा फायदा इस बार बीजेपी को कराने वाला है। इस फायदे को किस तरह से बढ़ाए वो आप सभी के हाथ में है। कैसी भी परिस्थितियां रही हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन वोट जरूर से कीजिएगा और राष्ट्रवाद के हित में वोट कीजिएगा। मेरी तो पर्सनली ओपिनियन है कि नरेंद्र मोदी के सिवाय इस देश की धरोहर किसी के भी हाथ में सेफ नहीं है। एक बार सोचिए तो सही कि पुलवामा जैसा अटैक पहले कभी हुआ होता मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने, तो क्या हम में से कोई भी ये एक्सपेक्ट करता कर सकता था कि नहीं भारत बदला लेगा? जवाब ना में आएगा। जब भी पुलवामा के अटैक हुआ और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दी थी कि उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी देशवासी आश्वस्त थे कि ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा, ये करके रहेगा। यही विश्वास भारत देश को मजबूती प्रदान करता है। तो तय आपको करना है। भविष्यवाणी यही कह रही है कि बीजेपी बहुत ही मजबूत है, लेकिन उसे उस तरह की मजबूती प्रदान करनी होगी। ऐसे कई सारे बिल हैं, ट्रिपल तलाक का बिल है और कई सारे बिल्स हैं जो लोकसभा में इतनी मेजोरिटी के होने के बाद पास हो गए हैं लेकिन राज्यसभा में अटके पड़े हैं। ये सब इकट्ठे होके वो बिल वहाँ से पास ही नहीं करने देते। तो ये तो एक पहला झटका आपको देना होगा इस इलेक्शन में कि राष्ट्रवाद के ऊपर वोट करना है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, हम तो डेयरिंग से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और की औकात नहीं है कि उनके सामने खड़े भी हो सके। तो उस हिसाब से वोटिंग जरूर कीजिएगा। वोट करेंगे और राष्ट्रवाद के हित में करेंगे तो इन सबकी बोलती बंद होने वाली है। और दूसरी बात, जब आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो वहाँ पर विधानसभा का चुनाव आए, उसमें भी अगर आपने वही नेतृत्व को वोट कर दिया तो ये सारे प्रादेशिक पक्ष, वो SP हो, BSP हो, TMC हो, वो सारे के सारे ख़त्म होने वाले हैं। राज्यसभा में भी जब BJP का उतना संख्या बल हो जाएगा तो ये सारे बिल एक साथ पास हो जाएंगे और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो गांधी परिवार को जेल होगी, वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब किसी भी राज्य में उसकी गवर्नमेंट ना हो। तो अभी 2019 में गांधी परिवार को जेल होगी, ये थोड़ा सा कठिन है। आशा है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और गोचरी आधार कुछ भी बता रहे हो, लेकिन सिर्फ भविष्यवाणियों के ऊपर बिलीव करके बैसे रहने से आपको कुछ नहीं मिलता। आपके ग्रह कितने भी अच्छे हो, लेकिन कर्म आपको ही करना पड़ता है। बस इसी आशा के साथ कि आप इस सोच को समझ पाए होंगे, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।